दोस्तों आज हम ट्रिक की सहायता से कुछ कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड के COOH कार्बोऑक्सिल समूह से कार्बोऑक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो पहला है फार्मिक अम्ल। फार्मी से हम ट्रिक अपनाएंगे फार्म हाउस। तो फार्म हाउस में क्या पाए जाएंगे? मधुमक्खी और चींटी। अतः फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं मधुमक्खी एवं लाल चींटी से। सेकेंड है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का ट्रिक एक वाक्य बनाकर करेंगे। लड़के ने फलों का रस पिया तो उसे एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी के माध्यम से हम याद रखेंगे एसिटिक अम्ल जो कि फलों के रस में पाया जाता है। विनेगर अर्थात सिरका में 4-8% एसिटिक अम्ल होता है। तीसरा है लैक्टिक अम्ल। इसे भी एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि दूध से बटर और दही बनता है, अतः दूध लाख रुपए की चीज है। लाख से हम ट्रिक बनाएंगे लैक्टिक अम्ल। अतः लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। हमारे शरीर में जब थकान होती है तब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाती है, अतः लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमें थकान महसूस होती है। चौथा है साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों साइट्रिक से हम कुछ खट्टे फलों का फील करेंगे, अतः खट्टे फल नींबू एवं संतरा इत्यादि तथा टोमेटो सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरोल के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम फोटोग्राफी में तथा स्याही के धब्बे को हटाने में करते हैं। टार्टरिक अम्ल। तो टार से ट्रिक अपनाएंगे लार। तो इमली को देख के हमारे मुंह में लार आ जाता है, अतः इमली में बेकिंग पाउडर व अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सातवां है बेंजोइक अम्ल जो कि घास पत्ते मूत्र से प्राप्त होता है। उपयोग दवा बनाने में, फलों के रस को सुरक्षित रखने में तथा फूड प्रोसेसिंग में करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा कार्बनिक अम्ल का ट्रिक वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।